हेलो एवरीवन, मेरा नाम मेघा पुरोहित है और मैंने एमपी जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज क्लास 2 2019 एग्जामिनेशन में 87th रैंक सिक्योर की है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सो कमिंग टू माय एकेडमिक बैकग्राउंड, मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय झांसी से प्राप्त की है। उसके बाद मैंने बीए एलएलबी ऑनर्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची से किया है 2016 में, एंड देयर आफ्टर इन 2017 मैंने एलएलएम ह्यूमन राइट्स में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर से किया है। मैंने अपने एलएलएम करने के बाद ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने इसके लिए कोचिंग ली थी एक साल की। उसके बाद मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था। सो आफ्टर वन ईयर आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2018 इन विच आई कुडंट सक्सीडेड, सो दिस वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट। सो नाउ आई विल डिस्कस विद यू ऑल माई स्ट्रेटजी। तो जब अगर हम एमपी जुडिशियल सर्विसेज का पैटर्न देखें तो जो इसके तीन चरणों में एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट प्रीलिमिनरी, सेकेंड मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो अभी हम प्रीलिमिनरी पहले डिस्कस करेंगे। सो प्रीलिम्स में क्या होता है, 150 मार्क्स अलॉट किए गए हैं जिसमें 110 लॉ को दिया गया है, 20 मार्क्स की जीके आती है, 10 मार्क्स की इंग्लिश आती है एंड 10 मार्क्स का कंप्यूटर आता है। तो जो लॉ सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए मेरी जो स्ट्रेटजी थी, मैंने प्री के लिए सिर्फ बेरेक पर ही फोकस किया क्योंकि सबसे पहले हमको बेरेक के कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैंने सारे बेयर प्रोविजंस अच्छे से पढ़े, उसके बाद खुद के नोट्स प्रिपेयर किए, उसके बाद मैंने बुक्स रेफ़र की। तो अभी मैं आपके साथ लिस्ट ऑफ बुक्स भी शेयर करूँगी। तो ये मेरे लॉ के लिए स्ट्रेटजी थी, बी फोकस्ड ऑन बेरेक्स। देन आफ्टर दैट जीके के लिए मैंने ल्यूसेंट रेफ़र की, जो स्टैटिक जीके के लिए मतलब रेफ़र की थी मैंने। और करेंट अफेयर्स के लिए मैंने काफ़ी सोर्सेज पे रिलाई किया, जैसे द हिंदू मैं टाइम टू टाइम पढ़ती रहती थी, और उसके बाद स्टडी आईक्यू एक ऑनलाइन चैनल है उसको मैंने रेफ़र किया। देन वाईटी स्टडी, वो भी मंथली करेंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं वो, तो आप भी उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद जो एमपी जुडिशरी में एमपी स्पेसिफिक जीके भी काफ़ी आती है, तो उसके लिए मैंने जो एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें सिर्फ मध्य प्रदेश की जीके होती है उसमें, तो मैंने वो वाली बुक उसके लिए रेफ़र की थी। आप चाहें तो और भी पब्लिकेशंस की बुक आती है जिसमें एमपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, आप रेफ़र कर सकते हैं उसको। देन कंप्यूटर के लिए मैंने ल्यूसेंट की बुक रेफ़र की थी, और जो वीडियोस यूट्यूब पे मैं देखती रहती थी टाइम टू टाइम के, जो किस टाइप के क्वेश्चंस अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। और इंग्लिश के लिए तो आपको अपनी वोकैब इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो जो आप टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जो भी आपको न्यूज़पेपर पसंद हो, जैसे मैं द हिंदू पढ़ती थी, उससे एक्चुअली होता क्या है, अगर आप उसका एडिटोरियल सेक्शन पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश तो स्ट्रांग होती ही है, आप जो इसका मेंस का सेकंड पेपर है, जो इसका ऐसे राइटिंग वाला पेपर, उसमें आप मतलब डेवलप करते हैं, कंटेंट आपका डेवलप होता जाता है टाइम टू टाइम। तो ये प्रीलिमिनरी की अप्रोच थी। देन कमिंग टू मेंस एग्जामिनेशन, मेंस में चार पेपर होते हैं जो कि 100 मार्क्स के रहते हैं। तो जो पहला पेपर होता है वो होता है सिविल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, सेकंड जो पेपर होता है उसमें हमारा एसे आता है, ट्रांसलेशन आता है एंड समराइजेशन आता है, पेपर थ्री जो होता है वो क्रिमिनल लॉ एंड लोकल लॉज का होता है, एंड जो हमारा पेपर फोर होता है उसमें जजमेंट राइटिंग आती है एंड इशूज़ फ्रेमिंग एंड चार्ज फ्रेमिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि मैंने मेंस के लिए कौन सी बुक रेफ़र की और आगे हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे सीपीसी के लिए मैंने सीके टकवानी रेफ़र की, और मैंने अपने खुद के जो नोट्स बनाए थे वो मैंने रेफ़र किए हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए वी एन शुक्ला एंड जे एन पांडे मैंने रेफ़र की है। आप चाहें तो कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, जैसे एम पी जैन भी है और शिरवई की कमेंट्री भी है जो कि काफ़ी अच्छी है, मतलब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बेसिकली आप बुक कोई भी रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सीआरपीसी के लिए केलकर की बुक रेफ़र की थी, एंड आईपीसी के लिए रतन लाल एंड धीरज लाल की है। इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए मैंने बटुक लाल एंड अवतार सिंह की है, एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ के लिए भी मैंने अवतार सिंह की ही बुक रेफ़र की है। एंड लिमिटेशन के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, और जो भी एमपी एकोमोडेशन हमारे लोकल लॉज हैं, मध्य प्रदेश का लैंड रेवेन्यू कोड, वो मैंने बेयर एक्ट से ही पढ़ा था क्योंकि उसमें हमें बेयर प्रोविजंस क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बेयर एक्ट से ही मतलब बनते हैं।
तो आप पहले डायरेक्ट अच्छे से करिए, उसके बाद इन बुक्स को रेफ़र करिए। नोट्स मैं सजेस्ट करूँगी आप खुद से बनाइए, क्योंकि जब आप नोट्स खुद से बनाते हैं तो उसमें आपको आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस होती जाती है। ऐसे राइटिंग के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस साल कौन कौन से टॉपिक रेलेवेंट रहे हैं। आप एक तो लास्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए एंड जो करेंट में रेलेवेंट टॉपिक्स चल रहे हैं वो देख लीजिए। तो उसके लिए आप ऐसे प्रिपेयर करिए, और ऐसे के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स दी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो रेफ़र करती थी द हिंदू न्यूज़पेपर, बट इसके लिए मैंने देखा है जैसे clearias.com है, वो हमें मतलब एक कंटेंट प्रोवाइड करवा देते हैं कि किस तरीके से हमको लिखना है। तो वो अगर एक बार आइडिया लग जाए कि क्या कंटेंट हमको लिखना है, किस तरीके से लिखना है, उसके बाद हम खुद से लिख सकते हैं। तो टाइम टू टाइम मेरे अकॉर्डिंग आप आर्टिकल्स तो लिखते रहा करिए। जैसे मेरे काफ़ी सारे पब्लिकेशंस हैं, क्योंकि मुझे आर्टिकल्स लिखने का बहुत शौक था, तो मुझे नहीं लगता इसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन चाहिए। तो जो आप अपने अगर जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आप कंटिन्यू फर्दर कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन एमपी में थोड़ा सा मतलब आपको डिग्लॉट बेरेक्स खरीदने पड़ेंगे अगर आपको ट्रांसलेशन में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो डिग्लॉट बेरेक्स से ये होगा कि आपके साथ में अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हिंदी भी पढ़ते जाइए, तो जो हिंदी वाली आपकी वोकेबलरी है वो भी इंक्रीज़ होगी और आपका इसमें ट्रांसलेशन में भी आप मार्क्स सिक्योर करेंगे। और इसमें बुक भी आती है, जैसे नाम जोशी सर की एक बुक आती है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो ट्रांसलेशन रहते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर के भी जो ट्रांसलेशन है उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड जजमेंट राइटिंग की अगर हम बात करें तो जजमेंट राइटिंग के लिए मैंने दो बुक्स मेनली रेफ़र की थी। पहली तो मैंने के भारद्वाज, दूसरी मैंने पीवी नाम जोशी। तो ये जो बुक्स हैं ये हमें प्रोवाइड करवा देती है एक तरीके से सैम्पल क्या होता है जजमेंट राइटिंग का। बाकी जो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट था तो उन्होंने सर ने काफ़ी अच्छे से हमें सिखाया था और वो प्रैक्टिस भी बहुत करवाते थे जजमेंट्स की। तो मतलब जजमेंट्स आपको जैसे एक वीक में आप दो जजमेंट लिखिए ही मेरे अकॉर्डिंग, एक सिविल का एक क्रिमिनल का, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप हमेशा याद रखिए कि आपको कितना टाइम अलॉट करना है जजमेंट के पेपर में, क्योंकि दो जजमेंट आते हैं 40-40 मार्क्स के, एक सिविल एंड एक क्रिमिनल, उसके बाद इश्यूज फ्रेमिंग आते हैं एंड देन चार्ज फ्रेमिंग आता है। तो इसमें लाइक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ड्राफ्टिंग के साथ साथ, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आ सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जितना हो उतना प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट दो तो करिए ही आप एक वीक में। उसके बाद मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों को कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर सॉल्व करके जाइए। उससे ये होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन पेपर का। प्री में भी आप ये चीज़ फॉलो करिए एंड मेंस में भी करिए, और जितना हो सके प्री के लिए आप MCQs सॉल्व कीजिए, क्योंकि MCQs आप जब सॉल्व कर लेते हैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपकी पोजिशन क्या है बेसिकली, क्योंकि आपको पता चलता है कि आप कहाँ कोई चीज़ कोई क्वेश्चन है वो गलत कर रहे हैं, कहाँ वो क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। तो अपना एक सेल्फ असेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस एग्जामिनेशन में। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर सॉल्व करिए, एंड अनसॉल्व के लिए आप कुछ भी मतलब कोई भी आप MCQs की बुक खरीद सकते हैं, जैसे यूनिवर्सल की भी आती है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग जो बुक आपको सूटेबल लगे आप उसको फॉलो कीजिए। आप इस पे मत जाइए कि उन्होंने ये बुक फॉलो की थी उन्होंने वो की थी, क्योंकि सबकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होती है जो इंडिविजुअल उस पर फोकस करना चाहते हैं, तो आप वो फॉलो कीजिए। एंड जो प्रीवियस ईयर के जजमेंट्स हैं वो भी आप सॉल्व करके जाइए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जैसे इसमें तो काफ़ी स्पेसिफिक है, जैसे सिविल जज क्लास टू एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो अपने फर्स्ट क्लास होते हैं उनके ही जजमेंट आते हैं, तो उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है अगर आप उनको सॉल्व कर लें। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको यही करना चाहिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि आप जब प्री का रिजल्ट आता है तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि अब हम मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो उस दौरान हमें उतना टाइम नहीं मिलता। तो आप अपनी जो मेंस की प्रिपरेशन है वो प्री के साथ साथ रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है अगर आपका प्री तो निकल जाएगा, अगर आप डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो ऊपर ऊपर से अगर आपने डायरेक्ट मान लीजिए पढ़ भी लिया तो आपका प्री निकल जाएगा, फिर आपको मेंस में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मेंस के लिए काफ़ी कम टाइम समय मतलब वो देते हैं। इसलिए मेरे
मेरे अकॉर्डिंग जो है आप साथ साथ में प्रिपरेशन करते जाइए, एक टाइम अलॉट कर लीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इसमें टाइम टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने यही किया था, मैं डेली 1 घंटे GK पढ़ती थी, डेली 1 घंटे मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती थी, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं एक जजमेंट की भी प्रैक्टिस करती थी, एक दिन मैंने उसके लिए अलॉट करके रखा था। तो आप टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करिए, तो उससे आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। और आप इधर उधर मतलब ऐसा मत करिए कि ये भी बुक पढ़ लेते हैं, वो भी बुक पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी नोट्स ले लेते हैं। आप जो भी पढ़ रहे हैं आप मतलब लिमिटेड रखिए अपने रिसोर्सेज को थोड़ा, क्योंकि क्या होता है काफ़ी टाइम हम यहाँ से भी पढ़ते हैं वहाँ से भी पढ़ते हैं, तो काफ़ी कुछ मिक्स हो जाता है और फिर वो लाइक हम उसको प्रॉपरली लिख नहीं पाते हैं, कभी नहीं हो पाता है वो चीज़। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना चाहिए, लेकिन अपने नोट्स खुद से आप प्रिपेयर करिए। मतलब किसी और से आप ले सकते हैं उनके नोट्स, नोट आउट आप रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपके जो खुद के नोट्स होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मेंस के पहले एक रिगरस रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, हार्ड वर्क करते रहिए और पेशेंस रखिए, सक्सेस तो आपको मिलेगी ही एक ना एक दिन। जो मेरा भी ये सेकंड अटेम्प्ट था, जब मेरा भी नहीं हुआ था पहली बार में, तो मैं भी काफ़ी नर्वस थी कि क्यों नहीं हुआ मेरा, तो कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है। अब कमिंग टू इंटरव्यू पार्ट, जो कि 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और इस टाइम से उन्होंने उसके लिए मिनिमम मार्क्स भी सिक्योर कर रखे हैं कि मिनिमम आपको 20 लाना ही है। तो अब इंटरव्यू में क्या होता है, आपको जो भी आपका सिलेबस होता है प्री एंड मेंस का जो भी सिलेबस होता है, तो वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही पड़ते हैं। तो कभी कभी होता ये है कि वो मतलब हमसे ना भी पूछें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि इंटरव्यू में बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट होता है। नॉलेज तो वो आपकी टेस्ट कर ही चुके हैं मेंस एग्जामिनेशन के थ्रू, प्री के थ्रू, जब आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे हैं आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो बेसिकली इट्स मोर अबाउट पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए, पर्सनैलिटी आपकी एक दिन में डेवलप नहीं होती है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जिस दिन से आप प्री की प्रिपरेशन शुरू करते हैं उस दिन से ही आप ये चीज़ सोच लीजिए कि आपको इंटरव्यू देना ही है। लाइक एक ऑप्टिमिस्टिक आपका ओपिनियन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। तो जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग पर्सनल क्वेश्चंस तो वो पूछते ही हैं, उसके अलावा लॉ के क्वेश्चंस भी पूछेंगे, प्लस आप करेंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। जैसे रीसेंट जजमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आप लाइव लॉ को रेफ़र कर सकते हैं, वो टाइम टू टाइम रीसेंट जजमेंट्स जो भी हमारे लैंडमार्क होते हैं वो निकालते रहते हैं, तो आप उनको ज़रूर पढ़िए एक बार, ताकि कम से कम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उनको कुछ ओवरव्यू तो दे सकें। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरे इंटरव्यू में उनका फर्स्ट क्वेश्चन सर का यही था कि आपने जो LLM किया है वो NLSIU से किया है एंड यू आर द गोल्ड मेडलिस्ट, तो आप ये जुडिशरी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वाई नॉट लॉ फर्म्स एंड अदर जॉब्स एंड अदर प्राइवेट जॉब्स जो आपको ज़्यादा पैसे ऑफर करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, देखिए मेरे जो बैकग्राउंड है उसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो आप जो भी अपना फॉर्म में डिटेल्स फिल कर रहे हैं उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाइए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अगर कुछ पूछें तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएँ। प्रॉपरली आपको अपनी जो भी आप मेंशन कर रहे हैं डिटेल उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर कीजिए। जैसे मैं झांसी से हूँ तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि आप UP जुडिशरी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, MP जुडिशरी में ही क्यों आना चाहते हैं। उसके बाद उनके उन्होंने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जैसे मेरा जो LLM का स्पेशलाइजेशन था वो ह्यूमन राइट्स है, तो उन्होंने मुझसे एनिमल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, देन क्वेश्चन अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आल्सो, देन चूँकि मैं UP से हूँ तो हो सकता है मुझसे लोकल लॉ काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भूमि स्वामी की डेफिनेशन पूछी थी, एंड देन म्यूटेशन पूछा गया था जो भी उसकी प्रोसेस होती है, देन एकोमोडेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, देन CPC से भी क्वेश्चन पूछे थे। तो इट्स लाइक कि क्वेश्चन वो किसी भी सब्जेक्ट से आपसे पूछ सकते हैं इंटर रिलेट करके। लाइक अगर वो आपसे SRA का क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है आपको CPC का भी कोई प्रोविजन रेफ़र करना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो क्वेश्चन मुझसे उन्होंने पूछे वो आपसे पूछे, तो मतलब एक वास्ट एरिया है ये। तो लेकिन वो पूछेंगे आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन, आपको बस फोकस अपने सब्जेक्ट्स पे करना है और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। लाइक आप कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, कैसे उनके सामने आप कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्टली बोलिए कि मतलब आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं या वो क्वेश्चन आपको आता नहीं है। जैसे आई रिमेंबर उन्होंने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉस्ट ग्रांट एंड एस्टॉपल, तो मुझे लॉस्ट ग्रांट का कॉन्सेप्ट नहीं आता था।
तो मैं नहीं बता पाई थी लॉस्ट ग्रांट का कॉन्सेप्ट। तो मैंने डायरेक्टली उस चीज़ को बोला था कि मतलब मुझे नहीं आता ये वाला कॉन्सेप्ट। तो आपको जो चीज़ नहीं आती है वो आप डायरेक्टली बोलिए, आप ये मत बताइए कि मतलब कुछ भी आप गलत बोल दें, क्योंकि उन्हें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नॉलेज है अगर वो उस पोजिशन पर हैं। तो हमें कभी ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करना है, हमें नॉर्मली जो नहीं आता है वो नहीं बोलना है, और जो आता है उसका कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना है, नर्वस नहीं होना है इंटरव्यू में, क्योंकि हमारे ओवरऑल पर्सनैलिटी वहीं पर जाके चेक होती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप अपना फोकस बनाए रखिए, पेशेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन करिए, आपको ज़रूर एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी। और मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं काफ़ी सारे बच्चों को, क्योंकि आजकल नेट तो सभी, यूट्यूब तो सभी एक्सेस करते हैं, तो ये सक्सेस स्टोरीज सुन के, दूसरे बच्चों की स्ट्रेटजी सुन के ये लोग मोटिवेट होते हैं। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होता क्या है, हमें काफ़ी टाइम सक्सेस भी देखना पड़ते हैं, फेलियर्स भी देखना पड़ते हैं, तो इट्स लाइक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप एक कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।